First and foremost, allow me to thank you for the exceptional welcome that has been extended to our delegation and myself today. It is with an immense pleasure that we are here and to come back 5 years after our former state visit and 5 months after the success of your G20. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह का दौरा किया, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को समर्पित है। ये दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर लगभग 700 साल पुराने इतिहास, संस्कृति और आस्था की झलक दिखाई देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैक्रों का ये दौरा उनके भारत दौरे का अंतिम दिन था, जिसमें वे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वे रात 9:45 पर दरगाह पहुंचे और वहां पर आधे घंटे तक रुके। उन्होंने दरगाह के आंगन में एक कव्वाली सत्र का आनंद लिया और दरगाह के खादिमों और श्रद्धालुओं से बातचीत। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मैक्रों का स्वागत किया और उनके सम्मान में एक भोज आयोजित किया। मैक्रों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं का एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवस के जुलूस और समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है और ये हमारी दोस्ती और साझेदारी की गहराई और ताकत का प्रतीक है। आपको बता दें कि मैक्रों का दरगाह दौरा उनके और भारत के बीच के संबंधों को और मजबूत और गहरा बनाने का एक प्रयास था, जिसमें वे भारत की विविधता, समृद्धि और सौहार्द को सम्मानित करना चाहते थे। वे दरगाह के रूहानी माहौल को अनुभव करने के साथ साथ भारत के इतिहास, संस्कृति और आस्था के बारे में भी जानने की कोशिश करते रहे। वैसे इस दौरे का दूसरा परिणाम ये भी था कि वे भारत की जनता के दिलों में एक विशेष स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां मैक्रों का दरगाह का दौरा एक ऐतिहासिक और यादगार घटना थी, जिसने भारत और फ्रांस के बीच के संबंधों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। वे न केवल भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों को समर्थन देने का वादा किया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी सम्मानित किया। वे भारत के लोगों के दिलों में एक विशेष जगह बना लिए और उन्हें अपना एक सच्चा दोस्त और साथी समझा। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।